यार संडे मॉर्निंग को ना, मतलब जब वो छोले भटूरे आप मंगाते हो घर पे, तो भटूरे तो हो जाते हैं पुल, मतलब समझ रहे हो ना, लुल, और छोले इतने टेस्टी होते हैं। फिर मन करता है कि यार आफ्टरनून में जाके ना वही वाले छोले भटूरे वहीं बैठ के खाओ। लेकिन अगर वहाँ जा नहीं पाओ तो बना के तो पहुँच सकते हो ना। बड़ी पुरानी रेसिपी है, आज आपके सामने नई नवेली करके दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं, दिल्ली वाले छोले भटूरे। तो जी चिट्टे छोले, वो मेरी मम्मी इसको ऐसी बोलती हैं, इसका नाम रखा हुआ है चिट्टे छोले, मीन्स सफ़ेद छोले, यानी कि काबुली चना, यानी कि चना छोले, जो भी इसको बोलना है। ये वाले छोलों को रात भर उबाल लो और फिर उसको प्रेशर कुकर में 5 से 6 सीटी तक पकाना है। लेकिन प्रेशर कुकर में कुछ चीज़ें डालनी होती हैं। एक जाएगा जी ये तेज पत्ता, दूसरा जाएगा काली मिर्च, तीसरा जाएगा 5-7 लवंग, 2 से 3 बड़ी इलायची, चाय की पत्ती और थोड़ा सा सूखा धनिया। अभी चाय की पत्ती यहाँ डल रही है जी, वैसे पुरानी रेसिपी में ना आंवला होता है, सूखा आंवला। अब सूखे आंवले से छोले जाते हैं काले, लेकिन अगर वो आंवला ना मिले तो आपने क्या करना है जी, आपने बनानी है ये पोटली विद चाय की पत्ती। चलो जी, अब इन छोलों को बॉईल करना है। साथ में डालो जी ये पोटली और साथ में डालो इसमें डलेगा जी नमक, चुटकी भर सोडा, एकदम मुलायम होने के लिए। चलो जी इसे चढ़ा देते हैं 5 से 6 सीटी आराम से। दूसरी तरफ बनाते हैं जी भटूरे का डो, क्योंकि उसे भी फर्मेंट होना है, मतलब समय लगेगा उससे। तो मेजरमेंट भी आपको बता दूं, अब 1 और 2 कप, साथ में आधा कप सूजी, ये सूजी बनाएगी इसे क्रिस्प एवं फूला फूला। अब ये इतना जो है ना 8 भटूरे बना देगा मज़ेदार। साथ में जाएगा नमक, थोड़ी सी चीनी, चुटकी भर बेकिंग सोडा, चुटकी भर बेकिंग पाउडर। इसमें खटास के लिए दही भी चाहिए, तो दही से ये डो गूंदा जाएगा। तो यहाँ पर दही डालो जी, 4 चम्मच दही डाला है और हल्का सा बचा है, यानी कि 5 चम्मच दही। अब पहले दही, ये जो 4-5 चम्मच डाला है ना, इससे डो बना लो। अगर सॉफ्ट हो जाए बढ़िया, नहीं हो जाए तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों कर लो मिक्स। दही जो है सिमट गया है इसके अंदर, अब इसमें थोड़ा पानी चाहिए जी, तो थोड़ा यह पानी डाल लो और इसको सॉफ्ट बढ़िया से गूंद लो। एक बार भटूरे का डो इकट्ठा हो जाए, ये देखिए सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा चिपचिपा है। अब इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा तेल और इसकी करी जाएगी और मालिश। तेल जी इसको सॉफ्ट भी बनाएगा। भटूरे का जो आटा है ना जी, उसको एकदम बिल्कुल बढ़िया से फर्म येट सॉफ्ट गूंद लिया गया है। अब इसे रेस्ट करो, क्योंकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों को काम करना है अपना, और रेस्ट होने के बाद ये हो जाएंगे एकदम बढ़िया। चलो जी छोले चढ़े हुए हैं, 4-5 सीटी बाद छोलों का काम होगा, तब तक छोलों का मसाला दिखा देता हूँ, है ना जी, बड़ा पिक्यूलियर मसाला है, देख लो। तो इसमें आएगा जी 1 चम्मच जीरा, साथ में 2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच काली मिर्च। बड़ी इलायची का स्वाद जो है ज़्यादा होता है, तो करीबन 8 से 10 बड़ी इलायचियाँ, 5 से 7 लवंग और जी 1 छोटा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा तेज पत्ता। साथ में डालो जी थोड़ा सा ये दालचीनी, 2 से 3 छोटी इलायची और इसको भून लो। यही है जी आपका चना मसाला, छोले मसाला, जो भी आपने बोलना है। बहुत ही सही रेसिपी है ये, वही दिल्ली वाली रेसिपी है, ट्राई करके देखोगे तभी समझ में आएगा। अब ये जो मसाला है ना जी, इसको एकदम फाइन पाउडर करना है। बड़ा ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, बड़ी इलायची का जो नोट है ना वो काफ़ी ऊंचा है, फिर जीरा है, धनिया है, क्लोव्स है, पेपरकॉर्न है, अमेजिंग है। वेल, अब इसे यूज़ किया जाएगा छोलों के तड़के में। आटा गूंद गया,
छोले उबल गए, उसका मसाला बन गया, लेकिन साथ में जाएंगे खूब सारे अकम्पनीमेंट। अब अकम्पनीमेंट में दिल्ली वाले छोलों के साथ मिलता है ये फ्राइड किया हुआ आलू। मोटे मोटे आलू, इनको शैलो फ्राई करना है एक बड़े चम्मच तेल में, और फिर इनमें एक झटपट मसाला डाला जाएगा। वैसे कुछ जगहों पे ये आलू घी में तले जाते हैं, चॉइस इज योर्स। एक तरफ आलू फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम बनाएंगे एक झटपट अचार। गैस ऑन करो, सरसों के तेल को करो गरम। एक तरफ सरसों का तेल गरम हो रहा है, एक तरफ आलू हो रहे हैं, तीसरी तरफ यहाँ पे इन आलूओं का मसाला बना लिया जाए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले डालो काला नमक, थोड़ा सा अनारदाने का पाउडर, साथ में डालो थोड़ा सा अमचूर का पाउडर, ये सौंफ और जीरे का पाउडर, हल्का सा गरम मसाला और हल्की सी मिर्ची का पाउडर। अब ये बन गया जी आलू का मसाला। अब मसाले में आखिरी चीज़ डलेगी पुदीने का पाउडर। ये सूखा पुदीना यानी कि फ्रेश पुदीने को सुखा लो, उसका पाउडर बना लो, और ये पाउडर तैयार। इधर इधर आलू तैयार, इधर पाउडर तैयार। आलूओं को निकालो इधर। और इसमें ये पाउडर मिक्स। अब ये जो ऑयल बचा है ना, इसको कहीं फेंकना नहीं है, ये यूज होगा, लेकिन पहले अचार को साइड करते हैं। अब अचार जो है उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पीली राई। सरसों के तेल को एक बार मीडियम हॉट कर लो, तो यहाँ पर हल्की सी पीली राई को देना है तड़का। थोड़ी सी डालो कलौंजी, मस्टर्ड सीड का पाउडर भी जाएगा जी, ये सौंफ और जीरे का पाउडर, साथ में अमचूर का पाउडर। मारा है काला नमक, साथ में हल्दी और मिर्च का पाउडर। अब ये गर्मा गर्म मिक्सचर में डाल दो एक बड़ा चम्मच सिरका और थोड़ी सी चीनी। गैस बंद। ग्रीन चिलीज, अदरक, गाजर के लंबे लंबे कटे बेटन्स और मूली। अगर मूली नहीं है सीजन में तो गाजर का ही बना लो। ये अचार है ना, छोले भटूरे वाले एक हफ्ता चलाते हैं, यानी कि आप ये बना लो, हफ्ता भर रखो फ्रिज में, बढ़िया चलेगा। लेकिन अभी ये यूज होने लायक नहीं है, एक दिन बाद ये विल्ट हो जाएगा, फिर होएगा मज़ेदार। अब आगे जी चने की बारी। 5 से 6 सीटी लगा लो ताकि चने हो जाएं बढ़िया। और जी कितने बढ़िया, ताकि ये हो जाएं जी बिल्कुल सॉफ्ट। कितने सॉफ्ट, उंगली लगाते ही मैश। एक्चुअली हमारे उस्ताद जी बोलते थे कि दीवार पे फेंको, टाइल पे चिपकना चाहिए। मुलायम हो गया बिल्कुल, वदिया। अब ये जो पोटली है इसका काम हो गया, इसको निकाल लो इधर। और जो ये शोले हैं जी, शोले, इनको पानी से अलग कर दो, पानी फेंकना नहीं। ये जाएंगे जी सीधे एक लोहे की कढ़ाई में।
अभी जो चने हैं चिट्टे छोले, इसमें ये वाला जो मसाला, जो इनका स्पेशल मसाला पीसा गया था, वो मिक्स किया जाएगा। अब इतने चनों में जाएगा जी करीबन 4 चम्मच मसाला, क्योंकि इसमें है ज़्यादा धनिया, ज़्यादा बड़ी इलायची, हार्ड स्पाइसेस इतने इसमें नहीं है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर, साथ में डालेंगे जी काला नमक, देगी मिर्च का पाउडर, और इन छोलों को अभी पहले मसाले के साथ मिक्स कर लिया जाए। ये सारे छोले जो हैं मसाले के साथ कोट हो जाने चाहिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। साथ में अदरक के लच्छे और हरी मिर्च के हाफ्स, और आखिर में कसूरी मेथी। आहा, अब ये सारी चीज़ों को जी अच्छे से मिला जुला लो, और इस पे डाला जाएगा वनस्पति घी। अब आप कहेंगे वनस्पति घी, अगर आप वनस्पति यूज़ नहीं करते तो घी डाल लो, और घी और तेल का मिक्सचर डाल लो, और उसके बाद जो चने का पानी बचा हुआ था वो डाल के इसे बस फिनिश करना है, एंड चना इज डन। अब डाल दो जी चने का ये पानी, सारा नहीं डालना, थोड़ा डालना है, फिर हिलाना है, देखना है कि कितना पानी चाहिए, क्योंकि ये छोले गाढ़े गाढ़े बनने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि इन छोलों को क्या क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं पीपे वाले छोले, क्योंकि पहले पीपे में बना करते थे। कीचड़ छोले, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये काले कलर का पानी, ये कीचड़ जैसा लग रहा है बिल्कुल, इसलिए इनको कीचड़ छोले भी कहा जाता था। पहुंच गए दिल्ली विदाउट फ्लाइट टिकट। अब मेन चीज अगर आपने नोटिस किया है तो मैं इसको एक आयरन कढ़ाई में बना रहा हूं, क्योंकि यहां पर अनारदाना और जो अमचूर है वो आयरन से रिएक्ट करेगा और इन चनों के इस डार्क कलर को और ब्लैकिश बना देगा, डार्क बना देगा। दिल्ली वाले छोले भटूरे खाने का जो मज़ा है ना, वो उन सब कंपनीमेंट्स के साथ है। तो छोले रेडी, भटूरे का डो रेडी, आलू रेडी, अचार रेडी, अब भटूरे फ्राई करने बाकी हैं। तो ये जी छोले हो गए हैं, ये देखो बिल्कुल थिक थिक निकल रहे हैं ऐसे, अब इन्हीं के साथ खाए जाएंगे भटूरे गर्मा गर्म। तो इसको करते हैं साइड, भटूरे फ्राई करते हैं फुला फुला के। अब भटूरे का डो है, रेस्ट हो गया है, बढ़िया से लचीला हो गया है। अब इसके जो पेड़े काटने होते हैं ना, उसका एक स्टाइल है, ये देखो इस तरीके से इसको गोल घुमाया और यूँ काट लिया। इससे होता क्या है कि कोई पीछे दरार नहीं आती। अब ये तेल में ही बेले जाएंगे। इसे कहते हैं चप्पल भटूरा, नाम अजीब अजीब है दिल्ली में, लेकिन टेस्ट लाजवाब। चलो जी, गर्मा गर्म भटूरे छोले हो जाए प्लेटिंग। ये छोले जी मज़ेदार है बिल्कुल, ट्रस्ट मी। हाय हाय हाय,
मिर्च का झटपट अचार हमने जो आपको दिखाया था वो साथ में सर्व कीजिए, साथ में ये एक्शन पिकल जो हमने झटपट बनाया, सूखे आलू की चाट, और जी घने फूले फूले भटूरे। लो जी, पहुंचा दिया आपको सीधा दिल्ली चांदनी चौक, जहां से ये एक्चुअली रेसिपी पैदा हुई थी। ये रेसिपी आप बनाओगे ना, गारंटीड गलती नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि शेफ ऐसी सारी रेसिपीज हैं, बनाना शुरू करते हैं बनती नहीं है जैसे आप बोलते हो। ये वैसे ही बनेगी, 120% गारंटी है। बना के देखो, भटूरे ऐसे ही फूलेंगे, चने ऐसे ही बनेंगे, अचार में वही टेस्ट आएगा, आलू और ये मिर्च का अचार जो हमने आपके लिए बनाया था झटपट मिर्च का अचार वाली रेसिपी, ये देखो ये वाली, ये भी बना लो। और ये अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और छोले भटूरे की पार्टी कर लो।